दिल के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख के ये देखा। हेलो दोस्तों, परिंदा ना मौजूद फिर एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सजेशन देना दोस्तों। और इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर देना दोस्तों। आज से मैं रिएक्शन वाले एपिसोड लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और इसमें रहेंगे आखिरी कॉमेडी और इसके अंदर ओमिगल के कुछ वीडियोज भी रहेंगे। क्रिंज फूड ब्लॉगर होते हैं ना, उनके भी कुछ वीडियोज अपन देखेंगे और इंजॉय करेंगे। आप और मैं बैठ के इस पे अपना रिएक्शन देंगे, और यहाँ से बहुत सारे अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, बहुत जल्दी मैं बाइक्स वाली वीडियो लाने वाला हूँ, बाइक्स का रिव्यू करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो चैलेंज वाला वीडियो ला रहा हूँ ना, किस पे लाऊँ प्लीज़ मुझे ना कॉमेंट करके बता देना। और प्लीज़ थोड़ा सा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करो यार, थोड़ा सा मेरे इंस्टा के भी फॉलोअर थोड़ा सा बढ़ने चाहिए। चलो दोस्तों, ये हमारे यंग जो कि है, यंग फूड ब्लॉगर होते हैं ना, उनकी वीडियो है। ये बंदे सिर्फ, इनको एक ही काम है, इंडिया में क्या हो रहा, जापान में क्या हो रहा, यूएस में क्या हो रहा। ये चलते हैं, इनकी वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। पानी पूरी खाने जाते हैं, तब वो मिनरल वाटर वाली पानी पूरी खाते हैं। और जापान में जब लोग पानी पूरी खाने जाते हैं, एक बात बोल बेटा, सच सच बोल, जापान में पानी पूरी मिलती है या नहीं मिलती, सच सच बोल प्लीज, तुझे तुझे माँ बाप का वास्ता। तो वो सिर्फ मीठी पानी पूरी खाते हैं। तो ऐसा लगता है तुम्हें सब पता है कि कहाँ क्या मिलती है और कहाँ पे क्या क्या चीज नहीं मिलती। और इंडिया में जब लोग पानी पूरी खाने जाते हैं, पहले वो पानी पूरी टेस्ट करते हैं, और इसका मतलब क्या है, इंडियन पैसे नहीं देते पानी पूरी खा के, वो फिर भैया को कहते हैं और तीखा, और फिर और तीखा। ये है कुछ बेहतरीन फूड ब्लॉगर हिंदुस्तान के। मुझे पता नहीं था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी भी मैगी बन रही है। ये है फैंटा मैगी यार। अब लोगों से तो डरो मत, डरो, लेकिन ऊपर वाले से तो डरो, कम से कम ऐसा बलात्कार मत करो खाने के साथ। मैगी डाली जा रही है यहाँ पे, ओरियो के पकोड़े बन रहे हैं। वाह वाह, ओरियो के पकोड़े बन रहे हैं, फैंटा से मैगी बन रही है, और बहुत सारे कांड हो रहे हैं क्रिंज फूड ब्लॉगर की वजह से। दूध के अंदर कोका कोला डाली जा रही है और मैगी फैंटा में पकाई जा रही है। तो ये तो बात सच बोला। अबे यार, तेरे को शर्म नहीं आती, कैसा बनाएगा, कम से कम थोड़ा तो ऊपर वाले से तो डर, कम से कम तू। कौन सी मैगी मिलती है आपके पास? फैंटा मैगी। फैंटा मैगी, तुझे बोलने को भी शर्म नहीं आ रही कि फैंटा मैगी बनाता हूँ मैं बोल के? मतलब मैगी के अंदर फैंटा डलती है? बनाइए भैया, ये तो बनाइए आप। पहले हम घी डालेंगे। ओहो, इसमें डलेगा पहले घी? पहले इसमें घी डाला जा रहा है, और गाइस अब देखिए घी में डाला गया है प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर। अब ये देखिए इसमें आग का बढ़िया तड़का लग रहा है। भैया, फैंटा वाली मैगी का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? एक कस्टमर आए थे। ओहो, अब कस्टमर आके बोलेगा इसके अंदर पेट्रोल डाल दो तो पेट्रोल की मैगी बनोगे। जो चाहे डालते जाओ और हर चीज को मिलाते जाओ। ऐसी मालूम है लोगों की वजह से ना खाने का वेरिएंट बढ़ते जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। सच में फूड ब्लॉगर की तो बैंड बच चुकी। ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतना एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं अपने खाने के साथ। तो उन्होंने बोला मुझे फैंटा मंगा दो। लोग बोलते हैं जहर ला दो, जहर भी लाके भी खिला दो भाई। फैंटा लेके आया, फिर मैंने बोला सर जी आपको मैं फैंटा डाल के बनाता हूँ, फिर खा के देखो आप। तो आपने मैगी में फैंटा डाल दी? हाँ। सच बोल, ये पाप करने से पहले तुझे थोड़ी शर्म आई नहीं आई? प्लीज बोल दे, ऊपर वाले का वास्ता तुझे। तो मैगी में मैंने बना के दिया उनको, उनको बढ़िया लगा तो फिर कस्टमर आने लगे उस हिसाब से। तो कस्टमर मैगी, फैंटा मैगी लेने आते हैं यहाँ पे? गाइस आप सुन रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर फैंटा मैगी लेने आते हैं। या तो वो पागल है या तो उनका ऊपर का माला खिसका हुआ है। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया गया है घी में सब्जियों का, फैंटा डालने जा। वाह, घी के अंदर अब डलेगा फैंटा। जा रही है गाइस, मैगी बनेगी फैंटा में, पानी नहीं डल रहा है, पानी में मैगी बनती है हर जगह। यहाँ पे डल रही है फैंटा के अंदर मैगी। हाँ, बनती है फैंटा में मैगी। भैया प्राइस क्या रही, ये बनाने कैसे, कैसा बना रहा है भाई तेरे, कैसा तुझे दिल बोल रहा है ये बनाने के लिए, और तुझे आइडिया दिया जो बनता है ना उसके ऊपर, तो दोस्तों उसे तो हमें हैट्स ऑफ करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए और उसको बधाइयां देना चाहिए, इतना बड़ा इन्वेंशन कर दिया वो।
18 अडल गोलगप्पे वाला, ये देख सकते हैं इसकी बकचोदी यहाँ पे। सुनो, गोलगप्पे खा के जी और लेडीज चक्कर खा के गिर जाती, इसलिए बंद करी सर। मुझे मुझे शौक नहीं है किसी। आधार कार्ड दिखाने भी दिए जाएंगे 18 से कम उम्र वाले इनको। 18 से कम वालों को आधार कार्ड दिखाने पे ही खिलाओगे? खिलाएंगे नहीं, नहीं तो नहीं खिलाओगे, खिलाएंगे नहीं। ये है क्या, ये तो बता दो। वाह वाह, क्या जबरदस्त हाइजीन है मेरे भाई। बस टेस्ट मसाला है सर। तो भाई यहाँ इनके पानी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। जो पानी ये पिलाते हैं गोलगप्पे में वो पानी बनने जा रहा है। तो जी क्या बढ़िया। तो जी अभी क्या डाल रहे हो आप? अभी सर धनिया पुदीना है। धनिया कर लो बेटा, जितना बकचोदी करना है कर लो, क्या करना चाहे कर लो, लेकिन लोगों को मारो मत प्लीज। लोगों की जिंदगी से मत खेलो ऐसा खाना खिला के। आप लोग इतने सालों से दोस्तों आप लोग किसके अंदर अंडा बनाते थे, तेल के अंदर या घी के अंदर? आज आपको बताता हूँ एक नायाब करिश्मा जो कि दुनिया में आ चुका है और बना रहा है, और लोगों को कैसे हिसाब से ये बना रहा है। आ समझ, तेल की जगह पानी डालते जा रहे हैं। और ऑमलेट तो सर कौन सा ऑमलेट खिलाने वाले हो आज? मैं आज आपको खिला रहा हूँ पानी वाला ऑमलेट। वाह वाह वाह, पानी वाला ऑमलेट, पहली बार देखूंगा ये ऑमलेट कैसा बनता है। हाँ, आप भी दोस्तों पहली बार देख रहे होंगे पानी में बन रहा है ऑमलेट। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको खिला रहा हूँ। ये पानी की बोतल है, आप पहले चेक करो और इसको अपने हाथ से खोल के दोगे सर। भाई ये मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, सील पैक। ये देख सकते हैं सील पैक पानी का बोतल यहाँ पे खुल रहा है। और तेल तेल की जगह पे यूज होगा बिस्लेरी का पानी क्या एकदम? नहीं तो मैं आपके सामने देख लो, आप सील पैक है सामने, मैं कहूंगा एक आधा घुट पी भी लो, समझो इसमें अंदर ऑयल है। ये बिस्लेरी का पानी का है ना या सिग्नेचर है? पता नहीं आ रहा क्या डाल दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। डाल दे बेटा, डाल दे। ठीक है जी, ये देखिए तवे के ऊपर डाल दिया यहाँ पर पानी, और एक भी बूंद जो है ना भाई तेल का इस्तेमाल नहीं होता, जीरो भाई साहब एकदम। और पूरा पानी के अंदर बनेगा सर? ये आपके सामने है और वही चीज बना के मैं दे रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने दो अंडे तो बेटा तू तो आइंस्टाइन को पीछे छोड़ दिया, मार्क जकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया, और इवन अपने एलन भैया को भी पीछे छोड़ दिया भाई। थोड़े एलन भैया थोड़ा आके सीख जाओ हिंदुस्तान में लोग कैसा बना रहे बिना तेल का ऑमलेट। हाँ जी, जिम वाले दोस्तों सब लोग को आके इस बंदे के पास से ऑमलेट खाना बनता है। दो अंडे आगे जी, और प्याज। हाँ जी, ये मिर्चे बिल्कुल, इसके अंदर अदरक और मिक्स है, मैं आपको बता दूं मिर्चों में। हाँ जी, ये नमक। हाँ जी, ये लाल मिर्च। ओके, और ये यहाँ का मसाला जो मेरा 15 से 20 मसालों का बनता है। ओहो, इसके ऊपर भी रिसर्च भी कर चुके हैं भैया ने, तो आखिरी रिसर्च की है इस ऑमलेट बनाने के ऊपर। काश हम भी अगर थोड़ा सा पढ़ लिख लेते तो इससे अच्छा ऑमलेट बनाने की कोशिश करते। इनको तो ना नासा वाले लेके जाना चाहिए, और इनके ऊपर ना जबरदस्त तरीके से ना इन लोगों पे रिसर्च करना चाहिए, ये ऐसे आइडिया लाते कहाँ से। तुम्हारे पापा जी तो आपकी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा लायक बेटा ऐसा करेगा आगे जाके। स्वाद है, मैंने घी तेल तो खिलाना नहीं, मगर हाँ मसालों का स्वाद जरूर खिलाऊंगा। यहाँ तक आप आए तो बहुत अच्छी सा टेस्ट खिला के भेजूंगा, वो भी पानी के अंदर। ये मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मौत का फरमान है। तो स्वाद के तौर में खिला रहा हूँ, ये यहीं पर ही चलेगा। तो भाई बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखिए अंडों को फेंट लिया है, और ये जो पानी यहाँ पे उबाला मार रहा है देखिए आप, क्या बात है जी। ठीक है जी, अगर आपने भी ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आज तक नहीं देखा है ना, तो भाई अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो तुझे शर्म भी नहीं आ रही कि ऐसा कॉन्सेप्ट बेहुदा, ऐसा बेहुदा कॉन्सेप्ट अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए, कम से कम हमारी वीडियो तो शेयर करो। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने वीडियो के साथ लोगों को देख सके और थोड़ा सा कुछ सीख सके और थोड़ा सा फन और एंजॉयमेंट कर सके। बंदे जिम जाते हैं उनके लिए तो स्पेशल है, मैं आपके सामने दे रहा हूँ। हाँ जी, ये ऐसे सीखता हुआ जाएगा बड़े आराम से। बिल्कुल, आराम से इसको सीखना भी पड़ेगा, बड़ा गौर करना पड़ता है इसको बनाने के लिए, क्योंकि इतनी देर में बिल्कुल चिपक जाता है, और चिपकने के लिए बड़े आराम आराम से इसको सिखाई करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं पानी के अंदर अंडा बनाने की निंजा टेक्निक, ये लिख के रख लो दोस्तों, क्योंकि ये यूपीएससी के एग्जाम के अंदर आने वाला है, और बहुत कठिन, और ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। फिर रहेगा इसकी प्रेजेंटेशन, मैं वो भी बिल्कुल ओके करूंगा, और अलग अलग स्वाद जरूर करूंगा इसको, बिल्कुल ऐसा स्वाद में लगे कि हाँ खाने में बहुत अच्छा है सही में। ये मैंने टमाटर और ये धनिया डाला है, और ये थोड़ा सा मैं बॉयलर डालूंगा। ओके, इसके ऊपर बॉयलर जो एक स्वाद दे सके। वाह 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 वाह, अंडे के ऊपर अंडा, वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। शर्म नहीं है जो बना रहा है उसको, तो शर्म नहीं है, लेकिन भाई तू तो शर्म कर ले कम से कम।
भाई मैं तो देख के हैरान रह गया हूँ। ओहो, ये देख के हैरान भी हो गया तू? बिकॉज आप भी देख के हैरान रह गए होंगे, मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में किसी को पानी के अंदर ऑमलेट बनाते हुए। तो भाई कम से कम शर्म तो कर ले अब तो भी। आप भी कमेंट में बताइए क्या आप भी हैरान रह गए। हैरान मैं तो परेशान हो गया जी सर। मैं तो अभी और बहुत सारी कार्रवाई है इसके अंदर करनी पड़ेगी। ये चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी। बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो बनाया अपने दिल के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख के ये देखा मैं। आप भी प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और सजेशन देना दोस्तों। और मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ कहेंगे हम कम ऑन माय फ्रेंड।